हमारे पट्टीदार एक हैं, अभी मृतक आश्रित पे अमीन हो गए सर, उनके पास पैसा बहुत हो गया और वो हमको बहुत तंग कर रहा है। लड़का सर है तो लड़का लेकिन उसने क्या किया सर, थोड़ा सा ऐसे बैठ जाओ, बैठ के वहीं बैठ बैठे रहो। ये हमारा खेत है सर, ये उनका घर है, ये पाइप उन्होंने लगा दिया और इसी में पानी गिरा रहा है और खेत में पानी गिरा रहा है जी। अब मैं इसके लिए सर थाने पे गया। ये कब बनाया इसने? ये अगस्त में मैं गया हूँ सर, मई की बात है, उसकी शादी थी तो उसने कहा हमारी शादी। तो साइड में उसका खेत नहीं है जिसमें पानी गिरा सके वो? है सर, है, उसमें नहीं गिराता, उसमें नहीं, जबरदस्ती सर। तो हम थाने गए, एप्लीकेशन दिए सर, वहाँ पे एक CO साहब ट्रेनी थे सर, उन्होंने सिपाही को भेजा, उसने जाके रिपोर्ट किया और फिर एक दरोगा साहब है गई, उनके पास मैं 2 महीने से सर लगातार परेशान रहा, मेरी कोई बात नहीं सुनी गई। 10 बार उन्होंने फ़ोन किया और उससे वो कहता है कि अब हटा लेंगे तब हटा लेंगे, लेकिन घटना सर मेन हुई 28 तारीख को, हमारे धान कट गया था सर, तो बोझ बनने के लिए हम उधर गए तो पानी भरा था उसमें, मतलब टुल्लू से पानी भर दिया था जबरदस्ती करने के लिए। तो मैं जब मना करने गया तो 4-5 लोगों को बुला लिया, 7-8 लोगों को, और जो भद्दी भद्दी गालियाँ सर, उसका वीडियो मेरे पास है, सरकार अगर सुन लेंगे तो हमको मेरा आना सुपर हो जाएगा। ये तो वहाँ उनको सुनाते ना SP प्रतापगढ़ को सुनाओ, भेजा सर के पास, कोई सुना नहीं सर, थाने में गया थानेदार साहब के पास, उन्होंने भी नहीं सुना, कोई सुनते नहीं है साहब, करें क्या। तो एक हद तब हो गई सर, अभी उन्होंने मेरे खिलाफ एक हरिजन है उसको पैसा देकर के हरिजन एक्ट का मुकदमा कायम करो, मतलब एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन दिया सर। बैठिए आप थोड़ी देर, एप्लीकेशन दिया सर। आप बात करोगे, ये पूरी इनकी वीडियो सुनोगे, ऑडियो जो भी है सुनाएंगे वो सुनोगे, ठीक है, करके उसके बाद वहाँ थाने में एक तो बता देना कि अभी FIR ना कायम करें इनके खिलाफ कोई, पहली बात। दूसरा ये है कि जो भी बात है इसे संपूर्ण समाधान दिवस पर हल कराएंगे, इनको नंबर दे देंगे। बैठिए आप थोड़ी देर बाद। अच्छा।